हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज मैं आपके साथ अनदर ईद मेकअप ट्यूटोरियल आई हूँ। तो इसका ड्रेस को थोड़ा इग्नोर कीजिए, आप इसके साथ सलवार पहन लीजिए, साड़ी पहन लीजिए, कुछ भी पहन लीजिए। लेकिन मैंने पहले सोचा था मैं कोई दूसरा मेकअप करूँगी, फिर मैंने ये ड्रेस पहन के मेकअप कर लिया। अभी ड्रेस उतारूँगी तो ये गंदा हो जाएगा ड्रेस, तो मेन तो मेकअप है। तो मैंने ये मेकअप लुक किया है, येल्लो गोल्डन मेकअप लुक है। आप ये ईद में कैरी कर सकते हैं। तो या ये तो बहुत ही अच्छा लगा और इतना पिगमेंटेड गाइस, देखिए आप लोग ये पैलेट, मतलब इस कंपनी का जो निकाके है, निकाके का सब पैलेट खरीदी, इतना अच्छा है गाइस। देखिए मेरी बेटी भी बोल रही है पूरा प्रेस पिगमेंट जैसे लग रहा है। मैं दिखाती हूँ वो कौन सा शेड है, ये वाले पैलेट से ये वाला शेड है, इतना अच्छा है। इसका नाम है निकाके का पैलेट है, इसका शेड है ओ हनी। मतलब क्या बोलूँ मैं, 350 रुपीज़ का पैलेट है। मतलब इसमें से दूसरा भी आता है वेरियंट्स, मैंने हॉल किया है, आप देख लीजिएगा। मैं आई बटन पर डाल दूँगी और मैं इसका यहाँ इस वीडियो पे मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं सबके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप जाके चेक कीजिएगा। तो बहुत ही अच्छा पैलेट है, बहुत ही अच्छा है मेकअप टर्न आउट हुआ है। तो चलिए देखते हैं मेकअप मैंने कैसे। तो स्टार्ट ऑफ करते हैं मॉइस्चराइज़र से। तो ऑलरेडी मैंने स्किन को मॉइस्चराइज़ कर दिया है एलोवेरा जेल से। तो अभी मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, ये आई इंस्टाग्राम का प्राइमर है, सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। तो अभी मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, ये मेबेलिन फिट मी का फाउंडेशन है, मेबेलिन सुपरस्टी फाउंडेशन है, इन द शेड वार्म न्यूट है। मेरी स्किन से थोड़ा सा लाइट है ये फाउंडेशन, इतना ज़्यादा मतलब मेरी स्किन टोन से मैच नहीं करता है। अभी मेरा स्किन तो पता नहीं थोड़ा पिगमेंटेड हो गया है, पहले ये पूरा मैच करता था मेरी स्किन से। तो अभी मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करके अभी मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, ये एलेगल का प्रो कंसीलर है, बहुत ही अच्छा कंसीलर है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अच्छे से स्किन में मतलब ब्लेंड होता है और मॉइस्चराइजिंग, मतलब इतना ड्राइंग नहीं है, लेकिन अब इसको इमीडिएट ब्लेंड करना पड़ता है। तो मैं अच्छे से इसे ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर अमेजोन का है, मैं जहाँ पे मैं कंसीलर यूज़ करती हूँ वे भी यूज़ करके देखिए कितना फुल कवरेज कंसीलर है। तो मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी, ये नेचुरल बीच शेड है। मैं थोड़ा हाफ रही हूँ, मैं ऊपर आई हूँ ना इसीलिए थोड़ा हाफ रही हूँ। अभी मैं ये पाउडर यूज़ कर रही हूँ, पर्पल का पाउडर है, कॉम्पैक्ट पाउडर है, नया है, मतलब न्यू यूज़ कर रही हूँ। तो इतना खास नहीं है, मतलब इसका कवरेज भी बहुत लो है और इतना ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लगा मुझे। मेबेलिन का जो सुपरस्टे मेबेलिन फिट मी का जो कॉम्पैक्ट है बहुत अच्छा है वो। अभी मैं ये ब्रॉन्जर यूज़ कर रही हूँ, ये है, मैंने ऐसा कोई कॉन्टोरिंग नहीं किया है। तो मैं ये ब्रॉन्जर यूज़ कर रही हूँ, ये है लोरियल का बैक टू लाइफ ब्रॉन्जर इन द शेड सन किस्ट शायद, हाँ। तो ये थोड़ा सा मेरी स्किन पे इतना शो नहीं हो रहा है, थोड़ा सा और डार्क होता तो शो होता शायद। तो मैं इसको अच्छे से जहाँ पे मैं ब्रॉन्जिंग करती हूँ वहाँ पर, मतलब ब्रॉन्जिंग कॉन्टोरिंग दोनों ही कर रही हूँ इससे। तो एक वार्मथ दे रही हूँ फेस को, मतलब ब्रॉन्जर का काम ही होता है स्किन को एक वार्मथ देना, मैं उसको भी थोड़ा सा ब्रॉन्जर से थोड़ा सा शार्प दिखाने का ट्राई कर रही हूँ। और कॉन्टोरिंग होता है आपकी स्किन को कट करना। अभी मैं ये ब्लू हेवन का ब्लश है, इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। नॉर्मल जो ब्लू हेवन का ब्लश होता है और वही वाला मैं अपनी चिक्स पे यूज़ कर रही हूँ। ये एकदम पिगमेंटेड नहीं है लेकिन अच्छा है ब्लश, इतना पिगमेंटेड होना भी नहीं चाहिए, अच्छा है, पिंक कलर का है। अभी मैं ये सेटिंग्स भी मेरी आँख पे घुस गए, देखिए यूज़ किया है मैंने, ये वेट एंड वाइल्ड का है और ब्यूटी ब्लेंडर से इसको डैप डैप कर रही हूँ। अभी मैं ये वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है, इन द शेड प्रीशियस पेटल्स, एक शैम्पेन गोल्डन कलर है, आप ज़रूर खरीदना इसको, बहुत ही अफोर्डेबल में आता है। मैं लिंक्स डाल दूँगी सब कुछ प्रोडक्ट्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बहुत ही अच्छा है। और अगर आप सेटिंग स्प्रे के बाद अगर हाइलाइटर यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छे से शो होगा, देखिए कितना अच्छा है, इतना सटल, मतलब ग्लो भी देता है, एक विद इन ग्लो देता है, मतलब इतना ज़्यादा आर्टिफिशियल नहीं लगता है, बहुत अच्छा है। और हम मेरे स्किन टोन से बहुत सूट करता है ये, क्योंकि गोल्डन है मेरा स्किन टोन, येलो अंडरटोन में है, थोड़ा ब्राउनिश येलो है, तो अच्छा लगता है मेरे स्किन पे ये। और हाइलाइटर जहाँ पे मैं यूज़ करती हूँ वहाँ पे मेरे हाइएस्ट पॉइंट्स पे यूज़ कर रही हूँ। अभी मैं ये आई लुक स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं आई शेडो, ये निकाके का आई शेडो पैलेट है, इन द शेड ओ हनी, बहुत ही अच्छा आई शेडो पैलेट है गाइज, इसका जितना भी आई शेडो है बहुत अच्छा है, मैं लिंक डालूंगी, आप लोग यूज़ करके फिर मुझे बताइएगा। तो इसका जो ये लाइट येलो शेड है इसको एज ए ट्रांजिशन शेड मैं यूज़ कर रही हूँ अपने आईज़ पे। तो पहले ही मैंने आईज़ पे एक पाउडर लगा के सेट कर लिया था,
अगर आप सेट नहीं भी करेंगे तो अच्छा और अच्छे से इसका पिगमेंटेशन शो होगा, मतलब कोई भी आई शेडो का पिगमेंटेशन तो आप सेट भी नहीं भी कर सकते हैं। अभी मैंने दूसरे आई भी कर लिया है, अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, फिर से थोड़ा थोड़ा लेके ब्लेंड कर रही हूँ मैं आइस पे, तो थोड़ा थोड़ा लेने से वो अच्छा शो करेगा। येलो शेड थोड़ा सा कम पिगमेंटेड है, बाकी तो आप देखिएगा आगे वीडियो में कितना ज़्यादा पिगमेंटेड है ये पैलेट। कुछ कुछ पिगमेंटेड है ज़्यादा और कुछ कुछ सभी पिगमेंटेड है, थोड़ा कम है कुछ। अभी मैं उससे थोड़ा सा डार्क येलो शेड ले रही हूँ और एग्जैक्टली मेरे क्रीज पे प्लेस कर रही हुई है। एक छोटा सा और एक डोम शेप ब्लेंडिंग ब्रश लेके उसको मैं अपने एग्जैक्ट क्रीज पे प्लेस कर रही हूँ। अगर आपको इन डेप्थ आई शेडो का कैसा करना है वो चाहिए एक वीडियो तो मुझे बोलना, मैं करूँगी। अभी मैं उसमें से ये जो ये थोड़ा कम पिगमेंटेड है गाइस, ये डार्क ब्राउन शेड है, इसको मैं अपने आउटर कॉर्नर पर लगा रही हूँ, नहीं तो थोड़ा फ्लैट फ्लैट लगेगा, इसीलिए मैं थोड़ा डार्क ब्राउन शेड ट्राई कर रही हूँ बिल्डअप करने के लिए। थोड़ा कम पिगमेंटेड है मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, तो इसको मैं अपने आउटर कॉर्नर पर अच्छे से लगा रही हूँ, मेरा आइस पे एक डेप्थ आ जाएगा। अभी मैं एक फ्लैट ब्रश ले रही हूँ, अमेजोन का ब्रश सेट है, मैं इसका लिंक डाल दूँगी, और इसमें एक कंसीलर लगा के, ये लेवल का कंसीलर है, वही वाला कंसीलर मैं एक हाफ कट क्रीज क्रिएट कर रही हूँ आइस पे। कट क्रीज का है आपका आइस थोड़ा बड़ा बड़ा लगता है, क्योंकि क्रीज को कट करने से मतलब डिफाइन लगता है आइस, और वो जो आप ग्लिटर शेड लगाएंगे या मतलब मैट लगाएंगे अच्छे से शो होगा। अभी मैं ये वाला जो शेड लगा रही हूँ गाइस, पूरे पैलेट में इतना अच्छा शेड है, मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब डिलीशियस है। आप लगाएंगे तो आपको पता चलेगा, ये एक डार्क गोल्डन ग्लिटर, प्रेस्ड ग्लिटर है, प्रेस्ड ग्लिटर, हाँ प्रेस्ड ग्लिटर ही है। इतना अच्छा है गाइस, इतना कम प्राइस में इतना अच्छा पैलेट है, मतलब मैं क्या बोलूँ। इसको मैं जहाँ पे मैंने कंसीलर यूज़ किया है, मतलब कट क्रीज किया है, वहाँ पे मैं अच्छे से लगा दूँगी। आप सिर्फ ऐसे लीजिए फ्लैट ब्रश में और सिर्फ प्लेस कीजिए उसको, इतना ड्रैग मत कीजिए, नहीं तो नहीं लगेगा ये। और मैंने तो ड्राई ब्रश यूज़ किया है, अगर आप थोड़ा सा सेटिंग्स पे लगा के करेंगे तो और भी ज़्यादा शो होगा ये, तो मैं अच्छे से लगा दूँगी। और गाइज मैंने जो लोअर लैश लाइन लगाया किया है और आईब्रो किया है, वो गलती से मेरा हाथ से डिलीट हो गया है, तो वो नहीं है फुटेज। मैंने वही लाइट और डार्क येलो जो है वो लोअर लैश लाइन पे लगाया है, और इनर कॉर्नर और ब्राउ बोन पे एक हाइलाइटर शेड लगाया है, और मैंने स्विस ब्यूटी का जो आईब्रो पेंसिल है उससे मैंने आईब्रो किया है। अभी मैं काजल लगा रही हूँ, नायका का रॉक द लाइनर काजल, और अभी मैं मेबेलिन का कोलोसल मस्कारा है, ये भी बहुत अच्छा मस्कारा है, पता नहीं इतना मस्कारा रह के मैं वही मस्कारा यूज़ करती हूँ बार बार, इतना अच्छा लेंथ देता है, वॉल्यूम देता है, फॉल्स लशेस का इफेक्ट देता है। आपको पता है मैं फॉल्स लशेस नहीं करती हूँ, तो बहुत अच्छा है ये, मैं ट्राई करूँगी अभी ये लॉकडाउन वॉकडाउन ख़त्म हो जाए तो मैं आईलैश ला के मैं ट्राई करूँगी लगाने का, तो उसको मैं 2-3 कोर्स अपने आप पर और लोअर लैशेस पर अच्छे से लगा लूँगी। अभी मैं लिपस्टिक लगाऊँगी, इसका नेम एक्चुअली पर्पल का लिक्विड लिपस्टिक है, मिनी लिक्विड लिपस्टिक है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक अगर होगा तो लिंक, नहीं तो मैं इसका नेम क्या है वो डाल दूँगी। बहुत सुंदर शेड है, मतलब डार्क पिंक कलर, ऐसा कलर मैं बहुत दिन से ढूंढ रही थी, बहुत अच्छा लगा मुझे, और उसमें रेड का हिंट है थोड़ा सा, बहुत ही सुंदर, मतलब क्या यूनिक शेड है। तो ये मैंने यूज़ किया क्योंकि मेरा आइस पे लाइट मतलब येलो है, इसीलिए मैंने लिप्स थोड़ा डार्क रखा है, तो और ईद का लुक है, अच्छा लगता है। सो गाइस दिस इज माय फाइनल फिनिश्ड लुक, तो ये है मेरा फाइनल फिनिश्ड लुक जो मैंने ईद के लिए क्रिएट किया है, और इसके साथ सब कुछ परफेक्ट है, सिर्फ ड्रेस थोड़ा इम्परफेक्ट है, और मैं मेरी जो इसीलिए सिंदूर लगाए, आपको सिंदूर मत लगा ले लगाइएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप साड़ी पहनिए या सलवार पहनिए। तो हाँ यही है लुक, तो आई होप कि आपको अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड सब्सक्राइब के पास में बेल बटन को भी क्लिक कीजिए, क्योंकि जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब किया है शायद बेल बटन को क्लिक नहीं किया है, इसलिए आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है गाइस, इसलिए इतना कम व्यूज़ आता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को बेल को भी दबा दीजिए ताकि नोटिफाइड रहे जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ, और आप मुझे इंस्टाग्राम और एपी पेज पर फॉलो कीजिए जाकर दार्शनी पक्ष में, तो वहाँ पर जाकर भी मुझे फॉलो कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेरे इंस्टाग्राम एपी पेज का भी लिंक डाल दूँगी और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसका भी लिंक डाल दूँगी, तो ज़रूर चेक कीजिएगा। तो या तो मिलती हूँ मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।